हाँ राहुल, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, इस बार लगता है ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उस दौरान थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था, लेकिन अभी आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है भैया? ठीक बिल्कुल 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 आ रही है। अरे तो कैसे हैं आप? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आप इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद सर। और अरे नहीं नहीं 15-20 मिनट तक आप, हम आपके साथ चाहेंगे कि एक बहुत एक अच्छा समा बांध पाए, कुछ आपसे सीख अरे पाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो अरे शुरुआत नहीं नहीं कर। आप मेरे भाई हैं और निलाव निलाव के आप दोस्त हैं, तो फिर आप समझिए भाई हैं मेरे, तो इसमें तो कोई वो रिक्वेस्ट वाली बात ही नहीं है, यानी मानना ही था आपका बात, और क्या है ना, बताइए। प्रणाम भैया। तो हमारा बिपिन हाँ नमस्कार पहला भी। पहला जो सवाल था हमारा आपके लिए वो ये था साहब कि रांची में आपने बीए किया, उसके बाद आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में आए, आपने यूपीएससी के लिए तैयारी की, उसके बाद आप एक किताब आपने लिखा द डार्क हॉर्स, जो कि साहित्य अवार्ड को भी मिला है उसको। तो ये पूरे जर्नी को थोड़ा बारीकी में समझा समझाएं आप कि कैसे कैसे कब क्या कैसे हुआ, मतलब सुनने में अच्छा लगता है देखिए लेकिन बारीकी। ऐसा एक्चुअली क्या है ना कि ये सारी यात्राएं जो होती है ना, वो हर व्यक्ति का वो एक व्यक्तिक अनुभव है जो वो इस यात्रा के बाद ही समझ सकता है। जैसे कि अभी अगर मेरे सामने 500 लोग बैठे होते, मंच लगा होता, माइक लगा होता, ताली पीटने का स्कोप होता, तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको तो थोड़ा ऑर्नामेंटल यानी कि थोड़ा कलाकारी करके शब्दबाजी से उसको मैं सुनाता, ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा काम है जो पृथ्वी पर दो तीन लोगों ने किया है, इसके बाद इन्हीं ने ही किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक सामान्य यात्रा होती है जो जैसी आपकी है वैसी मेरी है ना। और ये बात बहुत जरूरी है समझने की कि इसमें एफर्ट सिर्फ जो है वो सामान्य ही होता है, इसमें बस विश्वास रखना होता है, वो असाधारण होता है, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कुछ मिल जाएगा। तो मैंने भी रांची से जेवियर से पढ़ाई की, उसके बाद वहां से दिल्ली गया यूपीएससी करने। यूपीएससी करने के दौरान भाई लिखना पढ़ना वो तो आपकी आदत में होता है ना, बिल्कुल। उसके लिए आप कुछ अलग से एफर्ट नहीं लेते हैं, आप करते हैं फिर तो आप वही करने गए। उसी दौरान मुझे लगा कि अगर यूपीएससी नहीं तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, इसका सोसाइटी को मैं किस तरह से रिटर्न करूँ, कोई और रास्ता है? जैसे मैं नौकरी तो कर सकता हूँ, एक मान लीजिए कहीं भी नौकरी, आज के जमाने में आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत कुछ आता है, सामान्य बुद्धि है, तो ठीक है, दिल्ली में भी 30-40 हजार का वो लैपटॉप लेके जाने वाला नौकरी तो मिल ही जाता, शाम तक में थक के आते और ठीक ठाक करते, फिर चिल करके सो जाते, उठ जाते, ऐसा हो सकता था आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन एक मुझे लगा कि ये यूपीएससी में जो मैंने पढ़ा ये वो उस तरह से रिटर्न करने लायक नहीं, चाहे मैं इस रास्ते कितना भी बड़ा कुछ हो जाऊं, मैं 40 हजार की नौकरी से 40 लाख तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने जो अपने 8 साल दिए हैं वहां पे, 7 साल दिए हैं और उन उन किताबों के बीच में है, उसके थ्रू नहीं हो सकता वो रिटर्न, मुझे लगा। तब फिर जाके मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूं और लिखना मेरे लिए एक्टिविज्म है। मैं अच्छा फेसबुक पर भी लिख रहा था, हाँ फेसबुक पर लिख रहा था, मंचों पर सोशल एक्टिविज्म के जरिए मैं राजनीतिक मंचों पर भी जा रहा था, छात्र राजनीति के भी मंचों पर जा रहा था, सामान्य तौर पर और भी कोई अगर आंदोलन चल रहा हो कहीं आसपास, मजदूरों का भी चल रहा, तो मैं वहां भी जा रहा था। वहां से मुझे लगा कि मेरे लिए लिखना एक्टिविज्म, मेरे लिए बोलना एक्टिविज्म, तो वहां से मेरे जहन में आया कि मैं शुरुआत करता हूँ लिखने की, और लिखता हूँ तो पहले उनकी कहानी लिखता हूँ जिसकी जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं, थोड़ा ऑथेंटिक हो। वहां से मैंने लिखा और लिखने के बाद उसके बाद मेरे हाथ में फिर कुछ नहीं था, साहित्य अकेडमी के पास वो एक संयोग कहिए, ऊपर वाले की नेमत कहिए कि वो पुरस्कार भी मुझे मिला, तो वहां से मैंने तय कर लिया कि ये संकेत है मुझे लिखना ही, और मैं इसी को बतौर कैरियर बनाऊंगा राहुल। और दूसरी बात है कि हिंदी में प्रोफेशनल राइटिंग नहीं है अभी भी इंडिया में, मतलब चेतन भगत या अमीश जो है वो नौकरी छोड़ के राइटिंग करने आए, वो एक अच्छा पैकेज छोड़ के आए, ठीक है, लेकिन हिंदी का कोई राइटर ये सोचे कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे राइटिंग की ओर जाना है, मुझे पोएट्री की ओर जाना है, तो ये बहुत कठिन है यहाँ पे। तो ये मुझे लगा कि कोशिश करते हैं, देखते हैं। भाई घर से खाने की तो दिक्कत है नहीं, तो एक खतरा उठाते हैं, है ना, एक खतरा उठाते हैं, देखते हैं। तो
मुझे लगता है कि वो खतरा अभी भी है, लेकिन मजा आ रहा है और ये यात्रा मुझे भी शुरुआत लग रही है। और अभी भी हिंदी में 1 लाख से ऊपर कॉपी बिकना हिंदी के लिहाज से बड़ी तो है, बहुत लेकिन बड़ी। अंग्रेजी के लिहाज, हाँ, लेकिन इन अंग्रेजी की जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मैं हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वहां पे क्योंकि हिंदी पाठकों की संख्या इतनी ज्यादा है इंडिया में, तो उस लिहाज से ये संख्या कम है, तो ये अभी सफर लंबा है। तो जब मैं आपसे शायद 2-3 साल बाद एक बार फिर इंस्टाग्राम पे लाइव हूंगा, तो मैं शायद ज्यादा एंजॉय करके वो यात्रा आपसे शेयर कर पाऊंगा। अभी हम लड़ाई के मैदान के बीच में है, तो अभी मैं तलवार चलाने पर मेरा ध्यान है, बजाय ये बताने की कि मैं यहां तक कैसे आया हूं। ये बात है राहुल, है ना। सर, ये डार्क हॉर्स के बारे में कहा जाता है कि ये आपका यूपीएससी के जर्नी के बारे में आपने लिखा, फिर इसके बारे में आपने यूपीएससी का एक प्रश्न भी आया था, तो ये पूरा चीज क्या है? मतलब बहुत उत्सुक है हम लोग जानने के लिए। हाँ, ये बात है कि एक्चुअली क्या है कि मुखर्जी नगर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण है, चाहे आप बिल्कुल किसी भी फील्ड के हों। कोई डॉक्टर भी होता है तो एक बार सोचता है कि हम आईएएस के एग्जाम में बैठे हैं, एमबीबीएस का एमबीए वाला भी बंदा वो सोचता है कि बैठे हैं, इंजीनियर्स के भी सपनों में एक बार लाल बत्ती आती है ना। तो एक तो है कि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है मुखर्जी नगर के आकर्षण का, यूपीएससी का खास करके। आप अभी हिंदी फिल्मों में भी देखें, हर फिल्म में तेजपत्ता की तरह, इलायची की तरह थोड़ा सा मुखर्जी नगर, थोड़ा सा यूपीएससी दिखा दिया जाता है, बिल्कुल कोई भी वेब सीरीज हो या कोई फिल्म हो, है ना। हाँ, मुकम्मल उसकी कहानी किसी ने लिखी नहीं, तो मुझे लगा कि ये एक तो नया जोनर भी है और मेरा भोगा हुआ है, और मेरा मुखर्जी नगर की धरती के प्रति एक मेरा जो कर्ज है वो भी अदा हो जाएगा, इस बहाने कि मैं एक किताब लिख जाऊंगा जिसमें लोग पढ़ते रहेंगे यहाँ की, कि वो 25 गज का कमरा जहां पर लोग तप के सोना भी हो जाते हैं और जल के खाक भी हो जाते हैं, दोनों तरह की चीजें वहां मिलती हैं। तो मुझे लगा कि ये उस माहौल के प्रति मेरा अपना एक जो है कि मेरी श्रद्धांजलि कही है आप वहां के प्रति, वो भी हो जाएगी, तो जहां पर हमने इतने बड़े बड़े सपने देखे, तो ये मैंने किया। और उसके बाद संयोग ऐसा है कि निश्चित रूप से साहित्य अकेडमी मिलने के बाद उस किताब को साहित्यिक लोगों के बीच में भी जाना जाने लगा, और उसके बाद चूंकि पाठक इतने मिले कि पॉपुलर तो हो ही गया था, तो परीक्षा वगैरह में भी ये किताब से मध्य प्रदेश में आया था ये प्रश्न, तो मैं शायद एक पहला ऐसा, मुझे लगता है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूंगा जो जिस चीज की तैयारी कर रहा है, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिस लाइन में खड़ा है नौकरी पाने के लिए, उस परीक्षा में ही कोई प्रश्न में उसके प्रश्न पत्र में उसका खुद का नाम आता है और वो खुद उस लाइन में खड़ा है कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि इस किताब की सबसे बड़ी सफलता जो मुझे मिली जीवन में वो यही मिली कि मैं जिस प्रश्न को हल करने के लिए मुखर्जी नगर में रहा, वही प्रश्न पत्र कभी उसमें मैं भी कभी दिखा, मेरी किताब का नाम उसमें आया, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ, उपलब्धि तो ये है ही। उपलब्ध हाँ, ये सर, क्योंकि लोग या तो इतने बड़े हो जाते हैं राहुल कि वो छोड़ देंगे तब वो प्रश्न पत्र में आते, ऐसा अमूमन होता है, लेकिन एक लड़का जो संघर्ष भी कर रहा है, वहीं की दुनिया में रह रहा है, अभी वही वो उसी गली में भटक रहा है नौकरी के लिए, उसे लोग पूछते हैं कि भाई ये वाला एग्जाम दिया था क्या, तेरा हुआ कि नहीं हुआ, प्रीलिम्स की तैयारी कैसी है, आप उसी वहां के जीके की किताब में आप सुध रहे हैं, घटनाचक्र की किताब आप पढ़ते जा रहे हैं मेरठ एग्जाम देने के लिए, और टिक लगाया हुआ है कोई दूसरा लड़का इस बार ये आ सकता है नीलोत्पल मटलाल का, ये तो आप खुद उस सीट पर बैठे हुए, बिल्कुल पीछे आप खुद बैठे हुए, तो ये तो अच्छा लगता ही है, बहुत अच्छा लगता है, ये एक रोचक संयोग है जो अच्छे सफल राइटर को भी एक बहुत कम मिल, मुझे लगता है नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर वो खुशी जो है वो बस आप समझ सकते हैं आप। हाँ, वो है, वो और वो बिल्कुल सर बिल्कुल। भैया एक चीज बताइए, ये ऐसा लिखना, ऐसा कुछ लिखना जिससे लोग सिंक्रोनाइज कर पाए, मतलब कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे लोग अपने आप को रिलेट कर पाए, कितना डिफिकल्ट है ये लिखना? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपने कुछ ऐसा लिखा जो कनेक्ट हो गया था इसलिए पसंद आया, ठीक है। अब हैरी पॉटर जो लिखा गया है वो किसके जीवन में कनेक्ट कर रहा है, वैसी तो कोई घटना हुई नहीं है आपके साथ मेरे साथ, आप समझिए। जेके रोलिंग ने जो हैरी पॉटर लिखा, क्या वैसी घटना आपके साथ जीवन में घटी है, क्या वो जादूगरी आपने देखी है, नहीं देखी है। अवतार फिल्म जिसने लिखा होगा या जिसने जुरासिक पार्क लिखा होगा, क्या वैसी घटना आपने देखी है, वो नहीं घटी।
कहने का अर्थ ये है कि कंटेंट मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो कनेक्टिविटी नहीं करता है। क्योंकि बहुत लोग प्यार पे लिखते हैं, बहुत लोग किसानी पे लिख रहे हैं, बहुत लोग राजनीतिक घटनाक्रम पे लिखते हैं जिसको आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है वो राइटर आपको कनेक्ट नहीं करे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम कंटेंट से कनेक्ट कर पाए किसी को, इसमें जरूरी नहीं है कि वो आपके जीवन में घटा हो। वो लिखने की शैली पर निर्भर करता है। और वो लिखने की वो क्यों कनेक्ट करेगा, अगर आप अपने समय की भाषा लें, पहली बात ये होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो केवल आप नहीं समझ रहे, जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं उस चीज को, क्या वही बात पढ़ने वाला समझ रहा है? चाहे आपने दुनिया का कितना भी महान बात लिखा हो, लेकिन अगर केवल आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर बहुत सहज नहीं लिख रहे। तो सबसे बड़ी बात कि आपके पास भाषा अपने समय की होनी चाहिए और वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। लेखन में व्याकरण कमाल नहीं करता है, विचार कमाल करते हैं, आपका थॉट कमाल करता है। मतलब किसने कितना लक्ष्यदार लिखा ये मायने नहीं रखता है, जिसने लिखा तो बात कितना खतरनाक, बात कितना आपको चमत्कारित कर सकता है, यही महत्वपूर्ण। अमूमन क्या करते हैं नए राइटर को लगता है कि शब्दकोश में जितना जटिलता ले आएंगे, जितना भारी भरकम वोकैबुलरी होगा, जितना भारी भरकम वर्ड्स होंगे, शायद मुझे उतना अच्छा राइटर माना या समझा जाएगा और मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। नहीं नहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको साइज का प्लग चाहिए, चाहे कितना भी महंगा हो, कनेक्टिविटी चाहिए ना। तो आपको करना क्या है कि आप अपने समय की भाषा रखें और जो घटनाएं हैं वो आप उसका फ्रेग्रेंस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे समय का है। मतलब अगर हम हैरी पॉटर भी लिख रहे हैं ना तो उसकी घटनाओं का जो टेस्ट होगा ना वो मेरे वक्त का होगा, भले कहानी है 1000 वर्ष पहले 1000 वर्ष बाद की हो, पूरी फिक्शन पूरा फिक्शन होगा, लेकिन उस फिक्शन में भी फ्रेग्रेंस आपका होगा, अभी का वक्त का होगा, तो आप कनेक्ट कर जाएंगे, तो फिर कनेक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद आप चाहे फिक्शन लिखें चाहे नॉन फिक्शन लिखें, सब में कनेक्ट कर जाएंगे। फ्रेग्रेंस उसका सुगंध जो वो अपने समय का डालना होता है। वो आता कैसे है, वो भाषा से आ सकता है, वो घटनाओं के प्रस्तुतिकरण से आ सकता है, वो घटनाओं के प्रस्तुतिकरण से आ सकता है, वो कई बार सिचुएशन ऐसा आप क्रिएट करते हैं जो भले काल्पनिक कहानी हो लेकिन सिचुएशन आपके समय का है, आप आसपास वैसा कभी देखते हो, तो उसको अगर आप सिचुएशन को लाते हैं तो वो कनेक्ट कर जाता है। तो यही है, तो मेरा कहना यही है कि मेरे जीवन में घटा हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आपके जीवन में घटा हो ये भी महत्वपूर्ण, आपके समय में वो कितना एग्जिस्ट करता है, इतना रेलेवेंट जो आपने लिखा है, इतना रेलेवेंट अपने वक्त, ये महत्वपूर्ण, तो आप कनेक्ट कर जाए, बिल्कुल कनेक्ट कर जाए। सर अभी हम आपसे बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप पूछे, नहीं बताइए डार्क हॉर्स के बारे में बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि डार्क हॉर्स तो यूपीएससी की कहानी है ना, तो उसको तो पहले राउंड में तो उसी को समझना चाहिए जिसने वो दुनिया देखी है ना, लेकिन हाँ, लेकिन उसको हर उम्र के लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुखर्जी नगर नहीं देखा है वो भी कनेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा कि जो जीवन में घटा हो ही कनेक्ट करेगा तो हर किताब का कुछ ही पाठक होगा, थोड़ा सा ही पाठक होगा, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि उसमें सिचुएशन कॉमन होने चाहिए। जैसे मैंने किसी को चाकू मारा, ये घटना है, अब मैंने स्कूल में अपने दोस्त को मारा या स्कूल में चपरासी को मारा, बदमाशी कर रहा था, या मैंने किसी क्रिमिनल को मारा या किसी क्रिमिनल ने मुझे मारा, चाकू मारना एक घटना, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है, अलग अलग है। मैं उसको कैसे क्रिएट करता हूँ, कैसे मारता हूँ, मैं दर्द को कैसे दिखाता हूँ। जैसे मैंने चाकू मारा और मरने वाला बोला खत्म, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चाकू मारने के बाद कोई ऐसे नहीं मरता जैसे पोटेशियम साइनाइड खिला दिया गया हो। ये राइटिंग में दिमाग रखना होता है, जैसे आप लिखा मतलब कितना रियलिस्टिक होना जरूरी है। हाँ, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक भी वो अप्रोच होना चाहिए। घटना हो सकता है रियलिस्टिक हो, भाई एक आदमी दूसरे आदमी को चाकू मार रहा है, रियलिस्टिक घटना है, हो सकता है। अप्रोच कितना रियलिस्टिक है, लगने के बाद जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें छटपटाहट है, उसमें खून का छींटा कहाँ गया, उसमें खून का छींटा कहाँ गया, चाकू मारने के बाद आपने खींचा चाकू कितना दूर गया, ये भी राइटर को पता होना चाहिए। एक हत्यारे की तरह
किसका किसने निकला निकला होगा तो वो वहां से खून गिरा होगा क्या, उसकी पैंट पे गिरा, या जो चाकू छीटा होगा तो क्या उसकी यहाँ पर आया, जैसे फिल्मों में अधिकतर यहाँ छीटा आता है, वो फॉल्स है। आप अमूमन मार्के मतलब आप मार्के मत देखिएगा राहुल जी, लेकिन आप बिल्कुल कहीं अगर देखें तो चाकू लगने के बाद इस तरह का फवारा नहीं फेंकता है, बिल्कुल ठीक है, वो फिल्मों में। तो यही रियलिस्टिक अप्रोच है कि हमने मारा होगा तो हम जो राइटर है कितने से मार रहा है, कितने से निकाला होगा, उसमें कितनी बार आदमी कर रहा होगा, कितनी बार गिरा होगा, यही सब बनाता है कनेक्टिविटी, ये मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से यही एक रीजन है जिसके वजह से आज के डेट में मूवीज में भी रियलिस्टिक मूवी ज्यादा चलती है ज्यादा देन कमर्शियल मूवीज। हाँ बिल्कुल, लोग कनेक्ट कर पाते हैं रियलिस्टिक मूवीज के साथ, कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन ऐसा आता है। सर हम आपसे बात कर रहे थे तो एक आदमी ने एक किसी ने सवाल पूछा है कि आपकी जो दूसरी किताब है औघाड, उसके बारे में कि कैसे टाइटल पड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ निरुपल अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला है, शायर ए हिंद, हिंदुस्तान शायर ए हिंद कोई है। अच्छा वो मैं सबका जवाब अभी दूंगा बहुत। हाँ ओके कश्यप भाई, हाँ हाँ वो मैं कह रहा था कि औघड़ औघड़ का अर्थ ये होता है राहुल जी, औघड़ का अर्थ होता है कि एक औघड़ अघोर हिंदी में एक शब्द है, अघोर का अर्थ होता है उजाला, मतलब घोर का अर्थ होता है अंधेरा और उसका जो विपरीत होता है वो होता है अघोर, ठीक है। तो यानी कि जो उजाले के विरुद्ध हो, अंधेरे के विरुद्ध हो, जो अंधेरे के खिलाफ हो, तो औघड़ उसी का अपभ्रंश है, जो भारत में जब मतलब जो अघोर शब्द भी घिस घिस के औघड़ हो गया, देशक शब्द आप उसको ऐसे समझाइए, देशक शब्द आप ऐसे समझिए ना, तो हम लोग शंकर भगवान को औघड़ कहते हैं अमूमन सामान्य तौर पे, उसका अर्थ ये कि उनके माथे पर चंद्रमा है तो वो अंधेरे के खिलाफ है, वो उजाले के पक्षधर है, उजाले के पक्ष। तो उस औघड़ किताब में यही टोन है कि उसमें उसका जो प्रोटोगोनिस्ट है ना वो व्यवस्था के अंधेरे के खिलाफ है, अपने आसपास के सोसाइटी की जो अंधेरा अंधेरा है, जो जात पात का है, जो आडंबरों का है, जो स्त्री को लेकर है, जो सामंतवाद को लेकर है, राजनीति को लेकर है, इन सब को लेकर वो उसके खिलाफ एक टोन उस पूरी किताब में है, इसलिए उसको औघड़ कहा गया है, जो निर्भीक भी है, फक्कड़ है, जो बेलौस है, बेपरवाह है और निडर है, और वो लड़ाई लड़ रहा है, इस टोन में उसको औघड़ कहा गया है, उस प्रोटोगोनिस्ट के लिए है कि वो औघड़ है, वो फक्कड़ है, इस सेंस में वो यार लड़ जाता है, उसके पास साधन कम है लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ रहा है। वो ये भी बताता है कि लड़ाई साधन से नहीं लड़ा जाता है, साध्य से लड़ा जाता है, यानी इंटेंशन से लड़ा जाता है। तो आपने इंटेंशन है लड़ने का तो आप बिना, जो मार्टिन लूथर किंग जब लड़ रहे थे अमेरिका में जब गोरों और कालों की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा था वी कैन डू में परमाणु बम नहीं है, हम कर सकते हैं, ये विश्वास है, दृढ़ता होनी चाहिए, आप लड़ाई उसी से लड़ते हैं। या गांधी कहते हैं ग्वालियर टैंक मुंबई में 1942 में बोलते हैं कि डू और डाई, करो या मरो, तो उसके अंदर भी वही बात है, तो साध्य से होती है लड़ाई, ये भी बहुत बताता है होगा, तो यही होगा। सर अब आपका जर्नी एक यूपीएससी एस्पिरेंट, फिर एक राइटर, फिर एज अ कवि कब आपको लगा कि हाँ आप कविताएं में भी, मतलब कि एज अ कवि आपका जर्नी कब शुरू हुआ? कविता मैं पहले से करता था क्योंकि मैं गाना गाता था, कवाली वाली हारमोनियम लेकर रूम तक जाता होता था, तो मुझे लगता था कि मंच पे सामान्य तौर पे एक ही रिपीट धुन में कविताएं सुनाई जाती हैं कवियों के द्वारा, कोई एक रिपीट है, एमी पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं कि विरंची से आपका क्या रिश्ता था, कल बताओ सब वो है अभी। मैं ये कह रहा था कि तो कविताओं में मैं गाता था हमेशा, मैं हिंदी की किताबों में निराला जी की कविताएं हो या और भी कविताएं हो उसको मैं खुद से म्यूजिक करके बजाता था और गाता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब लेखन में जब शुरुआती दौर में किताब 2-3 हजार बिकी, 4 हजार बिकी, तो मुझे लगा यार इसमें ना वो इसमें आर्थिक रूप से कोई संभावना नहीं है अभी दिख, इकोनॉमिकली ये धंधा जो है ना, मतलब भाई धंधा नहीं है लेकिन फिर भी जीने के लिए अगर आप केवल लिख रहे हैं, जब आप पहले केवल लिख रहे हैं तो आप तो रोटी भी आप चाहोगे उसी से ना, आप कहां लिख करोगे। मुझे लगा कि मंचों पर जाना चाहिए, 2-3 कारण थे, एकदम साफ में कहूँ, एक तो इकोनॉमिकली वो किताब से ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक एक पॉसिबिलिटी है वहां पे, ये तो है मंचों पर। दूसरा था कि वहां पर कनेक्ट, आप सीधे 5,000 लोगों से कनेक्ट होते थे, तो मुझे ज्यादा
एथलेटिक बनाता है, ज्यादा मुझे प्रेरित करता है लिखने और बोलने के, क्योंकि मैं एक्चुअली लोगों मैं अगर नर्वस हो जाता हूँ, अगर दो तीन लोग ही बात करें तो मुझे भीड़ चाहिए, तो मैं ज्यादा सहज होकर बोलता हूँ, है ना, मतलब उल्टा तो, हाँ उल्टा है पूरा। तो मुझे लगा कि कविता से कनेक्टिविटी ज्यादा होगी लोगों से, मैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तो लिखने में भी मुझे मदद मिलेगी उपन्यास, क्योंकि मैं ज्यादा दुनिया से कनेक्ट होऊंगा, घूमूंगा, देश घूम पाऊंगा, देश देख पाऊंगा। तो ये सब कुछ कारण था जिसने मुझे कविता की ओर, लेकिन मैं कविता में किताब के बाद आया। अच्छा, करता पहले से था लेकिन मैं किताब के बाद, बिल्कुल। आपको मैं एक इंटरव्यू तो देख वहां रहा था, से आप मैट्रिक के टाइम पे ही सुबह 4 बजे से कविता लिखना स्टार्ट करते थे। लिखते थे, वो टाइम पास करते थे, क्योंकि मैथ बनता नहीं था और फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आया तो करते थे, लेकिन उस वक्त ये किसी नहीं पता था कि ये कविता है, वो मन ऐसा होता था। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मैं कब से कविता करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बिल्कुल सोच के कविता लिखा। ये 2015 के बाद की बात है, मैं बताऊंगा आपको, सर कुछ सुनाना और चाहेंगे आप, किताब भी क्योंकि हम सुनना क्या चाहेंगे, सुनेंगे हम बताइए। आप बताइए सर आपका कुछ फेवरेट जो कि आप हम लोग से शेयर करना चाहें। एक सुनाते हैं, कोई कौन चीज जो कि आज की सा, डेट में, कोई ऐसी चीज जो कि आज की डेट में आज देश के कंडीशन में रेलेवेंट रहे, जिससे लोग अपने आप को रिलेट कर पाए। एक सुनाते हैं कविता ऐसी, मौसम इतना बढ़िया है तो इसको लेके, प्रकृति, मेरा बिल्कुल सर, मेरे घर से पहाड़ दिख रही है, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी है, तो यहाँ से एक गीत, सौरभ बता रहे माँ वाली चल साधु। एक मैं गीत सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल अभी सर, अपनी किताब का, कविता ही है उसको गीत के तौर पर। बिल्कुल ठीक है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। ये अभी जब इरफान खान का निधन हुआ तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इसी गीत को लगाया था, और वो मतलब लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाला था। और ये मैंने लिखा है ओघड़ के लिए, जब बिरंची के लिए मैंने लिखा था, और कोई कह रहा है धरती पर बजरी फूटे, मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं वो सुनाता हूँ आपको जो औघड़ में मैंने लिखा है। रे साधो एही नदी कहती, रे हमने देखा बहता नी, ओ भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर रे साथो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नी। एक बता रहा है कोई, ऋतुराज बता रहे हैं, एक बरगद वाला, मैं सुनाता हूँ कुछ छोटा सा, एक दोहा सुनाता हूँ बिल्कुल सर, कि मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था, हाँ कितनी सखियां झूले के झूला चली गई ससुराल है, चली गई ससुराल। एक और है कि जो आप कह रहे थे ना कि आपकी यात्रा कैसी रही, मेरी यात्रा तो चाहिए की तरह से हो गई थी या चल रही है। बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो गांव देहात में हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मंच नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो मीडियोकर्स हैं उनको एक प्रॉपर मंच मिल जाता है तो वो बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। जैसे आप कोई स्टार किड्स हो तो आपको प्रॉपर मतलब अपने टैलेंट थोड़ा कम भी है तो आप बहुत आगे नेपोटिज्म तक की चले वजह जाते से हैं, आगे बढ़ जाता है। होता है, तो वहां से उसके हवाले से कि जो गमलों में खिलते फूलते कहाँ कहाँ सज जाते हैं, हम जंगल के फूल है बाबू, अरे खिले यहीं झड़ जाते हैं, खिले यहीं झड़ जाते हैं। इसी में एक दोहा एक और सुना के बिल्कुल कुछ प्रश्न बिल्कुल ले लेंगे हम लोग, हाँ जो बिल्कुल, प्रश्न आ रहे हैं, नहीं तो क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे लोकतंत्र में। तो नहीं हाँ भाई, हाँ तो एक दोहा ये था कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इस तरह से अब गोरैया नहीं दिख रही है, पंछी नहीं दिख रहे हैं वहां से, कि
कि छींटे के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, मेरी गोरैया अरे मर गई शायद फांके के सूखी रेत है, क्या बात। फांके के सूखी रेत। तो ये है सौरभ, तुमको सुनाएंगे बाद में माँ वाली गीत। वाह ठीक है, और कुछ कुछ प्रश्न हो तो आप लोग ले लें हम लोग। बिल्कुल सर, मैं शुरुआत से लेता हूँ। कुछ प्रश्न जो मैंने, मुझे भी पसंद आया, जो मुझे पूछना चाहिए। एक तो प्रश्न आया था सर कि एक मिनट, एक मिनट, ये हम ऊपर काफी स्क्रॉल कर रहे हैं। एक्चुअली ये शाम आपका ही है, हम बस जरिया हैं, आपका ही शाम है। अरे नहीं, एक सवाल आया था सर, ये मिल नहीं रहा है कि आज के डेट में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, तो उस वजह से एक राइटर को किस तरीके की परेशानी हो रही है? मतलब एज अ राइटर आपको क्या परेशानी हो रहा है खुल के लिखने में, डर भय? देखिए ये बात तो पक्का है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई तय मानक नहीं, ठीक है। हर मुल्क में, हर युग में, हर एरा में, हर एज में सत्ता के अनुसार उसका जो है कि हम उसकी सघनता देखते हैं, कितना मिला कितना नहीं मिला। हो सकता है एक ही मुल्क में दो सत्ता के टाइम में अलग अलग तरीके से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को देख रहे हो, उसको आप रोल कर रहे हो, उसको आप देख कर रहे हो। लेकिन मुझे इसको लेकर बहुत ज्यादा निराशा है। मैं मानता हूं कि हम हाथियों से कुचले जाने वाले वक्त पर सत्ता से टकराने वाले टाइम में, अगर सत्ता हमें बोलने से रोकेगी तो हमारी आवाज में जोर कहां से आएगा? तो लड़ने वाला जो साहित्य है, जो उबालने वाला साहित्य, साहित्य के लिए हमेशा उसकी आवाज को दबाना उसके लिए कुकर का काम करता है। जितना वहां प्रेशर दबेगा उतना खाना पकेगा, उतना जोर से उछलेगा, ठीक है ना। तो मैं अपने वक्त को उस तौर पे देखता हूं जहां जितनी बार आवाज दबाई जाएगी साहित्य उतना मुखर होकर निकल। आपके पास वक्त है कि आप दिनकर की तरह लिखते हैं कि समय के रास्ता घर घर आज हो, सिंहासन सिंहासन खाली करो कि जनता आज, ये लिखने के लिए उस सिंहासन को चैलेंज करने का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, ये वही वही वक्त है, ये वही वक्त है। तो ये निराश होने का वक्त नहीं, ये लड़ने का वक्त है। और इस कारण से मैं बतौर साहित्यकार बहुत निराश नहीं हूं। मुझे लगता है कि लड़ा जाए और खूब लिखा जाए। डर इस तरह से लगता है कि बात तो सही है कि आप कई बार मतलब ठेले जाएंगे, कई बार धकेले जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में इतना डेमोक्रेटिक क्लास भी है, एक ऐसी भी ताकतें हैं, ऐसा वर्ग भी है जो आपको बचा लेगा, जो आपको संभाल लेगा। लेकिन आप ईमानदारी से लिखो, आप लड़ो, आप सच के साथ लिखो तो कोई इतना भी भयावह वातावरण है ना। मैं एक दो कुर्सी पर बैठे लोगों के कारण हिंदुस्तान के सिस्टम को नहीं सड़ा हुआ कह सकता, बिल्कुल समझिए। मैं उस व्यक्ति को बदल दूंगा, मैं उस सिस्टम को नहीं कहूंगा कि खराब है, मैं उस व्यक्ति को बदल दूंगा जो सिस्टम में खराबी ला रहा है। तो हमें उस पर काम करना चाहिए, जो सिस्टम में बैठा हुआ खराब व्यक्ति है वो हटे, और उसको बदलने का, उस व्यक्ति को बदलने का पावर संविधान हमें देता है, वोटिंग हमें देता है। और बाकी चीजें मिलकर उसको और प्रेरित करती है, उसको और जो कि बढ़ाती है। तो और साहित्य उसमें कैटरर का काम करता है, वो करे, वो उस तरह से करे। बिल्कुल। एक और सवाल आया सर कि ये जय हो आपका तकिया कलाम कैसे बना? ये है, ये मुझे खुद भी याद नहीं एग्जैक्ट कि ये किस मुहूर्त, किस तिथि, किस नक्षत्र में ऐसा मैंने किया था, लेकिन जब से फेसबुक पर लिख रहा हूं तो शायद कभी छोटा मोबाइल था तो उसमें बड़ा बवाल करने के लिए जय हो लिखता था, कुछ और शुभ हो जाए, कुछ चक्रा बने। तो ये गांव देहात की परंपरा से है, राम राम जैसे है, राम जैसे जैसे जय भगवान है या अल्लाह है, उस तरह से जय हो है, जैसे इंसान अल्लाह कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जय राम बोलते हैं, जैसे राम वैसे ही। और एक और सवाल है कि ये गमछे की क्या कहानी है? गमछे की कहानी ये है, गमछा तो मैं रखता हूँ लगभग, मैं हमेशा कहता हूँ जब से पसीना बहाना शुरू किया तब से गमछा रखता हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका मुझे लगता है कि ऐसे को मैंने सबसे ज्यादा महसूस किया, मैंने एक बार इरफान खान को ही देखा था, इसलिए मैंने कभी इरफान सिंह तोमर के टाइम वहां से मुझे महसूस हुआ कि एक गमछा जो है एक स्टार के गले में कितना अनकॉमन लगते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि हमें अपने पहनावे के प्रति
डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। तो इरफान ने तो शायद संयोग से रखा था उस दिन, वो हमेशा तो नहीं, लेकिन मेरे लिए लगा कि यार एक स्टार के गले में सब भी एक सेलिब्रिटी इसको इस तरह से ले रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है। एक सामान्य आदमी जब लेके घूमता है तो क्यों खराब लगता है लोग? मैं चूंकि एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और था उस वक्त, तो मैंने किताब भी ना लिखी थी ना मुझे एक भी व्यक्ति नहीं जानता था, तो मैंने तब से फिर रखना शुरू किया और मैं अपने पहनावे और अपने परिवेश के प्रति उसको चीयर्स करने के लिए गमछा मेरा साधन है। मैं अपने 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 माहौल को चीयर, अपने प्रदेश को चीयर करता, ये मेरे लिए यही है मेरे लिए। सर मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका संदेश क्या है उनको जो जो किताब लिखना चाहते हैं, जो बडिंग राइटर्स हैं, और दूसरा आपका संदेश क्या है उनको जो यूपीएससी लिखना चाहते हैं? जो यूपीएससी लिखना चाहते हैं वो अभी किताब ना लिखें, पहला संदेश ठीक है, इसलिए ना लिखें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके टैलेंट को या उनकी क्षमता को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं मानता हूँ कि यूपीएससी टैलेंटेड व्यक्ति का नहीं होता है, मेहनती का होता है। नौकरी की परीक्षा मेहनती पास करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं, वो कोई असाधारण काम नहीं। ये हमारे दिमाग का अपना उपाय है कि हम यूपीएससी को एवरेस्ट बना देते हैं और फिर उस पर चलते गिरते रहते हैं, वेरीफाई इतना ऊंचा इतना ऊंचा, ऐसा नहीं। मैंने कई साधारण लड़कों को देखा है, वो आते हैं साल भर तैयारी करते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, मेहनत करते हैं, एक अनुशासन है, रूटीन है, और यूपीएससी करके चले जाते हैं। और उसमें बहुत मैंने हीरो को देखा है, बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा है, हर चीज है, हर क्षमता है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ठीक है ना? कारण क्या है? फोकस नहीं है, ठीक है? तो ना ही उपन्यास के साथ बेईमानी करिए कि आप यूपीएससी के दौरान उपन्यास लिखने बैठ गई। आप खुद को 6 महीना अगर एक कहानी में डाल देंगे तो आप फिर यूपीएससी के साथ भी गलत कर रहे हैं, उपन्यास के साथ भी। तो पहले जो यूपीएससी करना चाहते हैं, मेरा बात समझ गए कि भाई उपन्यास नहीं लिखना, इसका मतलब कुछ नहीं करना, केवल यूपीएससी करना, अब जी फोकस होना, ये है। और जो उपन्यास लिख रहे हैं उनके दिमाग में ये होना चाहिए, आप चमत्कार नहीं लिख सकते, सहज रहिए। आपसे जो है कालिदास आपसे जवाब नहीं मांग रहे हैं ऊपर से, आप साधारण लिखिए, सहज लिखिए और शानदार लिख दीजिएगा आप, बिल्कुल। दूसरा, विषय जो होना चाहिए वो आप पर जिम्मेवारी है कि आप कुछ भी लिखें, चाहे प्रेम कहानी, आप कुछ भी लिखें उसमें अपने वक्त को जरूर दर्ज करें, अपने आसपास की दुनिया को जरूर दर्ज करें। वहां आप संबंधों का मनोविज्ञान लिखिए, सोसाइटी के टकराव को लिखिए, घर्षण को लिखिए, उसकी खींचतान को लिखिए, वो प्रेम कहानी में भी आ सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि राजनीतिक उपन्यास, आप किसी भी कहानी के जरिए वो दिखा सकते, क्योंकि लिखना दुनिया का सबसे सुंदर काम है, तो उससे किसी का कल्याण होना चाहिए। इसलिए जब लिखिए तो मुझे मान के लिखिए। साहित्य, साहित्य का मतलब है सबका हित, सबका हित, केवल आपका मामला, सबका हित। तो हमने एक कविता छोटी सी भी लिखी, मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए करना है। तो तेंदुलकर ने अभी भाई अपने शादी की 27वीं की 25वीं वर्षगांठ पे कुल्फी बनाया है आम वाला, वो वीडियो चल रहा है, आम में डालते हैं दूध, आप वो भी बना लीजिए, आप तेंदुलकर के नाम कर सकते। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं ना तो उसमें दूसरा होना चाहिए, उसमें दूसरों का भी कुछ होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। तो ये बात है राहुल, ये धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। अरे और मैं तो मैं जब जब आप जैसे लोगों से बात करता हूँ, आई डेवलप एज अ पर्सन माई सेल्फ, हर किसी से अच्छी अच्छी खूबियां लेके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो आपने ये समय दिया, बहुत अच्छा लगा भैया, और हम बिल्कुल आपके टच में वापस आएंगे, और जब आप वो जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, अभी तो मिडवे है, जो जर्नी कंप्लीट हो जाएगा तो हम जानेंगे, ऐसे खुल के पूछेंगे कि कैसा रहा है वो यात्रा। बिल्कुल 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 राहुल, बहुत बहुत थैंक यू भैया।